गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी विल बी टीच इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 3 द सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट इन एन ऑर्डर सो ए मेक कंप्लीट सेंटेंस कॉल्ड व्हाट मीनिंग ऑफ सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड ग्रुप होता है वर्ड का एंड पुट इन ऑर्डर उसको लाइन सर ऑर्डर वाइज लिखने के बाद वो कंप्लीट सेंटेंस बनता है उसको कॉल्ड सेंटेंस कहते हैं लुक एट द पिक्चर एंड रीड सेंटेंस फिश लिव इन अ वाटर अ वीक हैज अ 7 डे आई एम अ गर्ल फ्लावर लुक ब्यूटिफुल I have big house. A mango is a fruit. Okay? Match the following makes beautiful sentence. Birds. तो birds क्या करती है? Build a nest. Okay? The sun rises in the east. Cow. Eat grass. An elephant. It is a big animal. We are watching TV. Okay? Then for B. Put the word in proper order to make meaningful sentence. प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है इसको इंग्लिश लाइक आई तो आई लाइक इंग्लिश ओके कंट्री इंडिया माय इज तो इंडिया इज माय कंट्री बेबी द क्राइंग इज द बेबी इज अ क्राइंग पैरोट कैच द इज द तो द पैरोट इज इन द कैच मनीष गुड बॉय इज इन अ तो मनीष इज अ गुड बॉय सिटी बिग मुंबई अ तो मुंबई इज अ बिग सिटी सिंग आई कैन तो आई कैन सिंग रिंगिंग इज द बेल इज रिंगिंग हॉट इज टूडे इट तो इट इज हॉट टूडे टीचर माई सीला इज तो सीला इज माई टीचर ओके कंप्लीट द सेंटेंस शुड अबाउट द पिक्चर पिक्चर देख के हमको सेंटेंस बनाना है फर्स्ट द बेबी इज क्या कर रहा है बेबी स्लीपिंग इट इज अ ये कौन है हु इज तो डॉक्टर द हैन विथ इज चिक्स ओके द ब्यूटिफुल द पीकॉक इज ब्यूटिफुल एंड कलरफुल द कैट इज फीडिंग द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ठीक है हमने क्या समझा आज फर्स्ट द सेंटेंस सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड पुट इन एंड ऑर्डर सो एज मेक कंप्लीट सेंटेंस उसके बाद लुक एट द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंस पिक्चर देख के हमको सेंटेंस बनाना है पहले पिक्चर हमको देखनी कि इसकी पिक्चर हमको दिख रही है तो फिश लिव इन अ वाटर फिश लिव के अंदर फर्स्ट फिश वाटर के अंदर है रहती है अ वीक हैज 7 डे ओके आई एम अ गर्ल देन फ्लावर लुक ब्यूटिफुल आई हैव अ बिग हाउस अ मैंगो इज अ फ्रूट देन मेक द फॉलोइंग मेक मीनिंगफुल सेंटेंस द बर्ड्स बिल्ड अ नेस्ट द सन राइजेस इन द ईस्ट काउस ईट ग्रास एन एलिफेंट इट इज बिग एनिमल एंड वी आर वॉचिंग टी वी देन इंग्लिश लाइक मैंने आपको समझाया उसको वापस से राइट करना है सेंटेंस दिया हुआ है पर आगे पीछे दिया हुआ उसको राइट आपको लिखना है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बाय मिस्टेक 9 नंबर का रॉन्ग हो गया है वो मैंने करेक्शन करके यहाँ पे लिखा है आपको फिर से उसको अच्छी तरह लिखना है कंप्लीट द सेंटेंस अबाउट द पिक्चर तो द बेबी स्लीपिंग ही इज डॉक्टर द हैन इज सिक द पीकॉक इज ब्यूटीफुल द कैट फीडिंग द चिल्ड्रन आर प्लेइंग थैंक यू चिल्ड्रन नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके आगे का बताएंगे ओके आगे का लेसन कंप्लीट करेंगे आपको इतना नोटबुक में लिखना है और पढ़ना है